हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सूजी की कटोरी। और उसे देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक मेरा वीडियो देखें और मैं सबसे पहले आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो देखिए, मैंने अपनी सूजी घोल रही हूँ। मैं अपने इसमें पानी डाल लिया है, मैंने पानी कम ही डाला है मैंने, क्योंकि मेरी सूजी बाद में फूलेगी तो शायद मुझे इसमें पानी अपना और ऐड करना पड़े। और अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें हल्का स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए। और पानी मैंने अभी कम ही डाला जैसे मैंने कहा। तो देखिए, सूजी को मैं अपना पूरा घोल ले रही हूँ। अब इसको 10-15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी साइड में। जब तक मैं इसमें भरने के लिए अपनी आलू की स्टफिंग है वो तैयार कर लेती हूँ। देखिए, आलू को मैंने बारीक मत ले रही हूँ, मतलब बारीक फोल्ड ले रही हूँ मैं आलू को। तो जैसे आपने देखा कि जो मैंने कप बनाए हैं सूजी के वो छोटे ही हैं, तो आलू को मुझे बारीक ही फोड़ना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, मैं हरी मिर्च काट लूँगी अपनी। दो ही मैंने हरी मिर्च ली है, तीखा मैं कम ही रखूँगी। उसके बाद देखिए, मैंने धनिया भी काट लिए हैं अपने, बारीक बारीक काटने हैं मुझे। इसमें अपने मैं और मसाले ऐड कर लेती हूँ। इसमें अपने देखिए, नमक मिला लिया मैंने, मिर्च मिला ली, सूखे धनिया मिला दिए मैंने अपने, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी मिला दिया है, क्योंकि जब तक चाट मसाला होता है टेस्ट इसका अच्छा आएगा चाट मसाले से। और इसको पूरा मिक्स कर लेती हूँ मैं। पूरा तरह मिला लेना है ताकि ये पूरी तरह मैं इसकी बॉल बना सकूँ। अब देखिए, मुझे छोटे छोटे इसकी बॉल बना लेनी है। मैं इसको पहले बना के रख लेती हूँ ताकि मुझे जब इनको गैस पर सेकने जाऊँ तो ये मुझे वेट ना करना पड़े। तो देखिए, छोटी छोटी बॉल बना ली है मैंने। बॉल बना के रेडी कर लेती हूँ मैं। देखिए, सारे बॉल बन गए मेरे। देखिए, सारे मैंने बराबर लिए हैं ताकि छोटे बड़े ना लगें। देखिए, सारे रेडी हो चुके हैं मेरे आलू के। अपने गैस मैंने चला दी है अपनी। और देखिए, अपने सूजी की कटोरी बनाने के लिए मैंने ये तैयार कर लिए। इसमें पहले मैं घी से गार्निश कर लेती हूँ ताकि मेरी सूजी चिपके ना। देखिए, घी लगा दिए मैंने कप में चारों तरफ। अब इसमें मैं जो अपना सूजी का बटर है वो डालूँगी मैं। इसमें सूजी का बटर, ध्यान रखिए, इसमें आधा दही डालिए, पूरा ना भरें इसको। देखिए, आधे से डालिए, पूरा फुल नहीं डालना है। अब जो एक्स्ट्रा लग गया मैं उसे हटा दे रही हूँ। अब देखिए, जो आपने आलू के जो बॉल्स तैयार किए हैं उसे मैं देखिए बीच में छोड़ दे रही हूँ ताकि ये अभी सूजी गीली है मेरी, सिकी नहीं है। देखिए, और देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो देखिए, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह गया है, कम कहीं पे कम ज़्यादा हो गया है, मैं उसे बराबर कर रही हूँ। और देखिए, जो पोटैटो की बॉल्स हैं उसके ऊपर मैं घी गार्निश कर दे रही हूँ ताकि मैं जब इनको पलट के सेक सकूँ तो ये सिक सकें, चिपके ना ये। प्लेट से मैं 5 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, क्योंकि जो सूजी होती है हमारी जल्दी जल्दी भुन जाती है, सिक जाती है वो। और मुझे लाइट ब्राउन ही रखूँगी मैं, ज़्यादा नहीं सेकूँगी इसे। 5 मिनट हो चुके, मैं चेक कर लेती हूँ। अब देखिए, मैंने इसको पलट दिया है, क्योंकि जो हमारी सूजी होती है वो बहुत जल्दी पक जाती है हमारी। ये देखिए, लग रहे हैं ना अंदर से कितने अच्छे।
अब देखिए फिर 5 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ ताकि जो आलू वाला एरिया है वो भी सिक जाए। अब देखिए पलट दे रही हूँ मैं, सिक चुके हैं वो मेरे। ये जब मैंने बनाए थे तो मेरे घर में सबको बहुत अच्छे लगे ये, और देखिए सिक चुके हैं। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ दूसरी प्लेट में, और आप भी इसे इंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके आपको कैसे लगे। थैंक यू।